आदाब, स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे डोडा में कि लोग किस तरह जो है मास्क नहीं पहनते हैं, किस तरह वो लापरवाही करते हैं इस कोरोना से, क्योंकि कोरोना का जो कहर है पूरे देश भर में बढ़ता जा रहा है। बहुत से केसेस दिन ब दिन इसके बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लोग जो है अभी तक सीरियस इस मसले को अभी तक नहीं ले रहे। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ के लोगों से, तो जानेंगे कि वो मास्क क्यों नहीं पहन रहे हैं। एक मिनट जनाब, आपका नाम? एक मिनट, आपका नाम? मेरा नाम परमजीत सिंह। परमजीत सिंह, आप मुझे बताइए, आप मास्क क्यों नहीं पहन रहे? मास्क सर पहना हुआ है। कहाँ पहना हुआ है आप? इधर क्या है? सामने रखा हुआ है, पहना हुआ है। तो आप देख सकते हैं किस तरह की लापरवाही जो है यहाँ के लोग कर रहे हैं, किस तरह वो मास्क नहीं पहन रहे हैं और किस तरह वो यहाँ पर रह रहे। आइए हम बात करते हैं ऑटो वालों से। जी, आपका नाम? जी राशिद अली। राशिद अली जी, आप मुझे बताइए, आप जो है मास्क क्यों नहीं पहन रहे हैं आप? सर मास्क लगा है अभी, ये निकला। तो मास्क जो लगा हुआ है, आपको पता है इस पे फाइन भी रखा गया है। आज के टाइम में मास्क कितना ज्यादा जरूरी है, आप मुझे बताइए, ये क्यों नहीं पहना आपने? सर यहीं पे अभी था, पता नहीं। तो आप देख सकते हैं लोग जो हैं किस तरह की लापरवाही यहाँ पे कर रहे हैं। इसके अलावा हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मास्क कितना ज्यादा जरूरी है और वो मास्क क्यों नहीं पहन रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं लोगों से और हम इनसे भी जानेंगे कि वो मास्क क्यों नहीं पहन रहे हैं। जी, आपका नाम? सोहनलाल शर्मा। सोहनलाल जी, आप मुझे बताइए, आप मास्क क्यों नहीं पहन रहे हैं? सर पहनना था, अभी खोला है। तो अभी क्यों खोला है? आपको पता है कितना इस कोरोना के टाइम में कितना डर है, इतनी महामारी जो जगह जगह फैल रही है दिन ब दिन, ये अभी तक आप मास्क क्यों नहीं पहन रहे हो आप? अभी पहना था, अभी खोला। तो आप देख सकते हैं लोग कितने लापरवाह हैं मास्क को लेके। उनको ये लगता है कि ये जो कोरोना का जो कहर है बिल्कुल नॉर्मल कहर है, कोई इसका कोई डर खौफ नहीं है यहाँ के लोगों को। और भी लोगों से जानेंगे कि वो मास्क क्यों नहीं पहन रहे हैं। अभी हम जगह जगह यहाँ पर चल रहे हैं, हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे साथ ट्रैफिक पुलिस है। जी, आपका नाम? फारुक अहमद सर। फारुक अहमद जी, आप बताइए, आप खुद ट्रैफिक में हैं, आप मास्क क्यों नहीं पहन रहे? तनहाई में बैठा तो तनहाई में बैठने का मतलब है कि आप मास्क नहीं पहनेंगे। आप खुद देख रहे हो कितनी भीड़ भाड़ यहाँ पे है। आप देख सकते हैं हमारे कैमरामैन दिखाएंगे किस तरह का रश जो है, किस तरह के लोग जो यहाँ चल रहे हैं, फिर भी आप मास्क पे इतनी लापरवाही क्यों कर रहे हैं? आपको खुद भी पता है कि 200 रुपये का फाइन जो है मास्क पे किया गया है, मास्क जो नहीं पहनेगा, फिर आप खुद लापरवाही क्यों कर रहे हैं? नहीं सर, कोई लापरवाही नहीं है। तो आपने मास्क पहना हुआ नहीं था अभी तक? पसीना आया था सर, पसीना ऐसे। इस चीज का ख्याल रखें ना, अगर आप खुद ही ऐसा करेंगे तो लोग किस तरह यहाँ पर रिएक्ट करेंगे? सर अभी तक ड्यूटी पे था। नहीं, इस चीज का ध्यान रखें आप। जब ट्रैफिक पुलिस ही इस चीज पे ध्यान नहीं देंगे तो आम लोग इस चीज पे ध्यान कैसे देंगे? इस तरह जो है लोग यहाँ पर उल्लंघन कर रहे हैं, कोई भी मास्क, कोई भी SOP का पालन यहाँ पे नहीं हो रहा है, कोई भी जो पालन यहाँ पे होना चाहिए। जी, आपका नाम? रफीक अहमद जी, आप मुझे बताइए, आप मास्क क्यों नहीं पहन रहे? आप हंसने की कोई बात नहीं, आप बताइए मास्क आप क्यों नहीं पहन रहे अभी? आपको पता है आज के टाइम में मास्क कितना ज़्यादा ज़रूरी है सर? अभी तो आप देख सकते हैं किस तरह की लापरवाही यहाँ के लोग, यहाँ के महकमा जो यहाँ का है थोड़ा बहुत सीरियस नहीं है इसको लेके। तो हम आगे भी ऐसे ही रूबरू कराते रहेंगे लोगों से और आपको बताएंगे कि कितनी लापरवाही यहाँ पे हो रही है। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, जुड़ते रहिए स्ट्रेट लाइन के साथ।